नमस्ते, मैं हूं शहाना। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। चेन्नई 10वीं बार फाइनल में 15 रन से हारी गुजरात। जडेजा ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए। सीजन में गायकवाड़ की 5वीं 50। नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बने, ऐसा करने वाले देश के पहले एथलीट। 8 महीने से वर्ल्ड नंबर पर 2 पर थे। 19 साल के प्रथमेश ने वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर गोल्ड जीता। शंघाई वर्ल्ड कप में ओजस जोदी सुरेखा वैनम ने कॉमन मिक्सर टीम इवेंट में गोल्ड जीते। फ्रेंच ओपन में नहीं खेलेंगे नदाल। 2005 में डेब्यू करने के बाद पहली बार नहीं लेंगे हिस्सा, अगले साल ले सकते हैं संन्यास। चेन्नई में होगा 2023 स्क्वैश विश्व कप 23 से 17 जून तक। खिलाड़ी सौरव घोषाल और जोशना चिन्नप्पा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 के फाइनल में पहुंच गई है। चेन्नई ने मंगलवार को अपने होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम में खेले गए क्वालिफायर 1 में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को 15 रन से हरा दिया। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 172 रन बनाए। जवाब में गुजरात 20 ओवर में 157 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के हीरो रुद्राज गायकवाड़ रहे। उन्होंने 44 बॉल पर 60 रन की अहम पारी खेली। इस मैच में हार के बावजूद गुजरात की टीम फाइनल की रेस में बरकरार है। गुजरात को अब एलिमिनेटर 1 की विजेता टीम से खेलना होगा। महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने सबसे ज्यादा 10वीं बार आईपीएल फाइनल में जगह बनाई है। खिताबी मुकाबला 28 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं। वो देश के पहले एथलीट है जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने सोमवार को यह रैंकिंग जारी की। नीरज 1455 अंकों के साथ नंबर 1 पर काबिज है। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को 22 अंकों से पीछे छोड़ दिया। नीरज 30 अगस्त 2022 से वर्ल्ड नंबर 2 पर थे। पीटर्स अब तक नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बने हुए थे। वहीं इस महीने 5 मई को दोहा में हुए डायमंड लीग में नीरज ने 88.67 मीटर की दूरी पर बाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। उधर वर्ल्ड नंबर 1 एंडरसन पीटर्स 85.88 मीटर फेंककर तीसरे स्थान पर रहे थे। टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट याकूब बदलेच दूसरे स्थान पर थे। रैंकिंग में पड़ोसी देश पाकिस्तान के थ्रोअर अरशद नदीम 5वें स्थान पर रहे। नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। इसमें नीरज चोपड़ा चोट की वजह से भाग नहीं ले पाए थे। वहीं भारत के रोहित यादव 15वें और टीपी मनु 17वें स्थान के साथ टॉप 20 में शामिल है। अब वो 4 जून को नेदरलैंड के हेंगले में फेनी ब्लैंगर्स कॉइन गेम्स में हिस्सा लेंगे। साथ ही उनकी जून माह में 2 और प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें नीरज चोपड़ा 23 जून को फिनलैंड के तुर्कू में होने वाले पावो नूर्मी खेलों में अपने रजत पदक जीतने के प्रयास को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो इस सत्र की उनकी तीसरी प्रतियोगिता होगी। भारत के कॉम्बाउंड तीरंदाजों का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी है। युवा तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने इंडिविजुअल और ओजस जोदी सुरेखा वैनम ने मिक्सड टीम इवेंट में गोल्ड जीते। अवनीत कौर ने महिला कॉम्बाउंड व्यक्तिगत राउंड में कांस्य पदक भी हासिल किया। प्रथमेश ने वर्ल्ड नंबर 1 माइक शॉलेसर को चौंकाकर वर्ल्ड कप में पहली बार गोल्ड अपने नाम किया। 19 साल के प्रथमेश ने नेदरलैंड के माइक को 149-148 से शिकस्त दी। वहीं ओजस और जोदी सुरेखा वैनम की मिक्सर जोड़ी ने कोरिया की टॉप सीड जोड़ी को हराया। यह ओजस जोड़ी का लगातार दूसरा वर्ल्ड कप गोल्ड है। इससे पहले इस जोड़ी ने पिछले महीने अंदालिया में वर्ल्ड कप स्टेज 1 में गोल्ड जीता था। ओजस जोड़ी ने कोरिया के किम जोंगो ओ युहुन की जोड़ी को 156-155 से हराया। जोड़ी ने 2023 वर्ल्ड कप सीजन की बेहतरीन शुरुआत की है। वे 3 वर्ल्ड कप गोल्ड जीत चुकी है। उन्होंने अंदालिया में इंडिविजुअल में भी गोल्ड जीता था। इस तरह से 2023 में वर्ल्ड कप में अभी तक वह 3 स्वर्ण पदक जीत चुकी है।
अब उनकी निगाह बर्लिन में होने वाली विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करने पर टिकी है। अवनीत कौर ने महिला कॉम्बाउंड व्यक्तिगत राउंड में कांस्य पदक भी हासिल किया। 18 साल की अवनीत के लिए यह पहला विश्व कप पदक है। स्टार टेनिस प्लेयर राफेल नदाल चोट के कारण फ्रेंच ओपन 2023 में नहीं खेलेंगे। सबसे ज्यादा 14 बार फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतने वाले नदाल 2005 में डेब्यू करने के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी नदाल ने गुरुवार को घोषणा की कि खुले की चोट के कारण वो फ्रेंच ओपन से हट रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2024 उनके प्रोफेशनल करियर का अंतिम साल होगा। फ्रेंच ओपन पेरिस में 28 मई से शुरू होकर 11 जून तक चलेगा। लाल बजरी के बादशाह कहे जाने वाले नदाल ने पिछले साल 14वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था। जब नदाल ने पिछले साल 37 साल की उम्र में ट्रॉफी जीती तो वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे उम्रदराज चैंपियन बने थे। नदाल ने फ्रेंच ओपन में 18 बार हिस्सा लेते हुए 112 मैच जीते हैं और उन्हें सिर्फ 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, जो किसी भी एक ग्रैंड स्लैम में महिला और पुरुष वर्ग में विश्व रिकॉर्ड है। स्क्वैश विश्व कप 2023 चेन्नई में 13 जून से शुरू होगा। हांगकांग, जापान, मलेशिया, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया और भारत सहित 8 देश टूर्नामेंट में भाग लेंगे। सौरव घोषाल और जोशना चिन्नप्पा स्क्वैश विश्व कप में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये आयोजन नई पीढ़ी के स्क्वैश उत्साही लोगों को प्रेरित करेगा और भारत में खेल के विकास में योगदान देगा। स्क्वैश विश्व कप का पिछला संस्करण भी 2011 में चेन्नई में आयोजित किया गया था। यह आयोजन तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रायोजित किया है। स्क्वैश विश्व कप अब अपने 14वें संस्करण में है। 2011 में इसके अंतिम चरण के बाद से महत्वपूर्ण बदलाव आया है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के इतिहास में पहली बार प्रतियोगिता में एक रोमांचक मोड़ जोड़ते हुए मैच 5 गेम से 7 अंक तक खेले जाएंगे। प्रत्येक टीम में 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल होंगी, जो अपने अपने पूल में 4 मैचों के टाई में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगी। 2023 स्क्वैश विश्व कप ट्रॉफी के लिए 8 देश प्रतिस्पर्धा करेंगे। सौरव घोषाल भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे, जो वर्तमान में दुनिया में 19वें स्थान पर है। उनके साथ पुरुषों के राष्ट्रीय चैंपियन अभय सिंह और 19 बार के राष्ट्रीय चैंपियन जोशना चिन्नप्पा और तन्वी खन्ना है, जो आगामी एशियाई खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। हरियाणा के फरीदाबाद के दीपेश मोर ने तमिलनाडु में हुई नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में 461 किलोग्राम का वजन उड़ाकर गोल्ड मेडल कब्जा किया। उसने इसी प्रतियोगिता में 3 सिल्वर मेडल भी जीते हैं। दीपेश के बेहतर प्रदर्शन चलते अब उसका सिलेक्शन एशियन गेम के लिए हो गया है, जो चीन में होंगे। मेयर नोस्ट्रम स्विम टूर चैंपियनशिप में टीम इंडिया का जलवा। श्रीहरि नटराज 55.29 सेकंड के समय के साथ 100 मीटर बैकस्ट्रोक भी फाइनल इवेंट में पहले स्थान पर रहे। टॉप स्कीम एथलीट श्रीहरि ने हीट में 55.15 मिनट का समय लिया। दोनों ही समय एशियन गेम्स के क्वालिफिकेशन समय 55.72 से बेहतर है। इस बीच सजन प्रकाश ने 200 मीटर बटरफ्लाई बी फाइनल में 2:37 के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। भारत की टॉप स्कीइंग एथलीट शैली सिंह जापान में हुए गोल्डन ग्रैंड प्री 2023 में कांस्य पदक जीता। साई बेंगलुरु की प्रशिक्षु शैली ने महिलाओं की लंबी कूद प्रतियोगिता में 6.65 की छलांग लगाते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। केरल के आदर्श एमएस ने चीन में होने वाला एशियाई खेलों ट्रायथलॉन चैंपियनशिप के 19वें संस्करण के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अहमदाबाद की प्रज्ञा मोहन ने भी ट्रायथलॉन में एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया। और भी ताजा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।